राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, उनके रास्तों में फूल बिछवाएंगे। लेकिन अगर किसान आएंगे तो हम उनके रास्ते में लोहे की कीले ठुकवा देंगे, कांटे बिछवा देंगे, सीमेंट की बोरियां रखवा देंगे, बैरीगेटर लगवा देंगे, लोहे की तारों से उनके रास्तों को रोक दिया जाएगा। किसानों के आँखों में आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, पानी के बौछार से उनको भिगा दिया जाएगा, और तो और रबड़ की गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार के एपिसोड में मैं हमारे देश के जो किसान हैं उनके मुद्दे पर मैं बात करूंगी। पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो किसान MSP, कर्ज माफी कानून और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने की मांग, और लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था उस हादसे पर एक्शन लेने की मांग को लेकर के जो किसान हैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही किसानों के आंदोलन की भनक सरकार को लगती है, हमारी मौजूदा सरकार बड़े तेज़ी से तिलमिला जाती है। ऐसे लगता है कि उनके कानों में जैसे मिर्ची का झन्नाटा पहुंचा हो, और आनन फानन पूरे देश की पुलिस प्रशासन को वो सड़कों पर उतार देती है। सड़कों पर उतार करके जो हमारी सरकार है वो पूरा बंदोबस्त कराती है कि किसान किसी भी तरह से दिल्ली नहीं घुसने पाए। दिल्ली के बॉर्डर में जहाँ से किसानों की रास्ताएं हैं, जहाँ जहाँ से उनके रूट बनाए गए हैं आने के लिए, वहाँ पर लोहे के कीलों को सड़क में ठुकवा देती है। अगर आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, फिर वहीं पर कई जगह पर बैरीगेट लगाए गए हैं, तो लोहे की तारों को जो नुकीली तारें होती हैं वो बैरीगेट के ऊपर लगा दी गई हैं, और पुलिस प्रशासन हर जगह पर भारी मात्रा में मौजूद है। किसान चल करके दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंच गए हैं। कई जगह पर किसानों ने अपने हथौड़ों से और जो लोहे की राड होती है उनसे उन कीलियों को मोड़ना शुरू कर दिए हैं, कुछ उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। कुछ जगह पर किसान कोशिश कर रहे हैं कि बैरीगेट को तोड़कर घुस जाएं, लेकिन दो दिन में तो अभी किसान नाकामयाब रहे हैं। संविधान कहता है कि सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, और जो देश के किसान हैं ये वही कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अपना जो मेहनत है, जो मजदूरी है, जो किसानों का हक है, उसको लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, जो संविधान है उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो जिस तरह से किसानों को रोकने की तैयारी हो गई है वो बहुत चिंता वाला विषय भी है। लेकिन बस मुझे ये कहना है कि अगर हम अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, जब तक हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। पिछले साल जब किसानों का आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन था, किसान MSP बिल की मांग को लेकर के बैठे रहे, और बाद में ऐसा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने किसानों के साथ में समझौता किया और अपने कानून को वापस लिया। जो मांगे रहे हैं किसानों की, साल भर बाद जब मांगों पर काम नहीं हुआ तो किसानों को लगा कि समय निकलता जा रहा है, तो क्या हमें फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। और ये वही समय आ गया जो किसान फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इस बार सरकार बहुत टाइट हो गई है। सरकार कह रही है कि हम अपनी दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, तो किसान भी कम नहीं हैं। किसान भी कह रहे हैं कि भैया दिल्ली आप बस की नहीं है, दिल्ली हमारी, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम ही आपको चुनते हैं और हम ही से आप सबकी सरकार बनती है। तो किसान आटा भाटा लेकर के, कुछ किसान पैदल हैं, कुछ किसान अपने ट्रैक्टर में अपने खाने पीने का सामान लेकर के बंदोबस्त करके आए हैं। आप इस सीन में देखिए कि किस तरह से किसान पूरे लाइन में लगे हुए हैं,
और ये सब देख करके एक चिंता का विषय बनता है कि जिस तरह से हर जगह पर बैरिगेट लगाए गए हैं और किसानों को रोका जा रहा है, वो जो रूट है वो सिर्फ किसानों का रूट नहीं है, उस रूट से आम जनता भी निकलती है, उस रूट से जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो भी आते जाते हैं, जो आम पब्लिक है वो भी आती जाती है। कई बार मुझे अंदर से इतनी घबराहट हो रही है ऐसे सीन को देख करके कि अगर लोग बीमार हो गए और मान लो उनको इलाज के लिए दिल्ली घुसना पड़ा तब क्या होगा, अगर उस रास्ते से एम्बुलेंस जाएगी किसी को लेकर के तो कहाँ से जाएगी, वो भी नहीं निकल पाएगी। अगर लोग जितने दिन तक वो रास्ताएं बंद है उतने दिन तक गरीब क्या करेंगे, कहाँ से मजदूरी करने के लिए जाएंगे। तो आम पब्लिक के बारे में ना सोच करके हम किसानों के ऊपर इतना हावी हो गए हैं, हर तरह से जी जान लगा रहे हैं कि किसानों को रोका जाए। क्या इस आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से करने दिया जा सकता है? सरकार ऐसा प्रयास पहले से क्यों कर रही है कि ये दंगा में बदल जाए? सरकार ऐसे ऐसे उकसाने वाले जो प्रोग्राम है, मैं क्या कहूँ उसको, प्रोग्राम ही कह रहे हूँ या तरीके हैं, जो ऐसे तरीके हैं कि आप किसी को उकसाते हैं कि वो नारे लगाएं या चिल्लाएं या कुछ करने के लिए मजबूर हों। जब आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं तो किसान क्या करेंगे, पथराव करते हैं या भागते हैं या कुछ करेंगे, फिर दोनों तरफ के लोग घायल होते हैं, पुलिस भी घायल होती है, किसान भी घायल होते हैं। तो जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है और जो बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हैं या जो इस तरह में नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड से कुछ दिन पहले ही उनको सम्मानित किया गया, अखबारों में बड़ी बड़ी उनकी खबरें आईं, पोस्टर आए और सबकी तरफ से बधाई दी गई है। ये वही किसान नेता हैं और वही किसान नेता के जो किसान हैं उन्होंने लीड किया है और उन्हीं के लीड किए हुए किसान हैं और उनमें कुछ किसान नेता भी हैं जो सभी किसानों के, छोटे किसानों को बड़े किसानों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई कानून लागू होता है तो एक किसान को फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ बड़े किसान को फ़ायदा और नुकसान नहीं होता, वो सबको होता है। और ये तो होता है कि जिनको ज़्यादा जानकारी है, जो राजनीति में है, जो बड़े किसान हैं, वही इस तरह के कानूनों की विरोध करते हैं या मांग करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार कितना दोगला पन खेलती है किसानों के साथ में। एक तरफ आप किसानों को सम्मानित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप किसानों का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ आप किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं लागू कर देते हैं, कर्ज माफ़ी को लेकर के आप लोन ले लो, आप सिंचाई के लिए ये कर लो, आप ऐसी फसल उगा लो, आप ऐसे बीज बो लो, दूसरी तरफ आप उन्हीं किसानों के पेट में लात भी मारते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार किधर की ओर जा रही है, सरकार की मानसिकता क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कई बार मेरा दिमाग में भी खिचड़ी पकने लगती है और सिर्फ मेरे नहीं, शायद बहुत सारे लोगों के ऐसा होता है। जय जवान जय किसान का नारा सरकार लगाती है, दूसरी तरफ वह जय जवान और जय किसानों को आपस में लड़ाती है। अगर किसान एक साल एक तूर की फसल अगर सरकारी मंडी में नहीं बेचेगा तो सरकार फ्री में राशन कहाँ से दे देगी? सरकार जिस दम पर अभी विधानसभा का चुनाव जीती है जिसमें लोगों को फ्री राशन में क्या देती है सरकार, गेहूं देती है, चावल देती है, दाल देती है, तेल देती है, पूरा का पूरा जो पैकेज दिया गया है वो ये किसान पैदा करके आपको देते हैं, तब आप जनता को देते हैं, तब आपको वोट मिलती है। कुछ भी मतलब समझ नहीं आता है कि इसमें आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्यों आप किसानों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध के साथ में कितने सारे लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, कितने सारे लोग बेघर हो जाते हैं, कितने सारे लोग भूखों मर जाते हैं, इसका ख्याल क्यों नहीं है।
पिछले साल जो किसान आंदोलन हुआ था, इस तरह की कड़ाके की ठंड में जिस तरह से किसान शांति रूप से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बार बार उनके ऊपर लाठीचार्ज और पथराव हो रहे थे और कड़ाके ठंड की वजह से भी लगभग 700-750 तक किसान इस आंदोलन में शहीद हुए थे। और इस बार भी जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू हो गए हैं, आंसू गैस के गोले और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, उस सब चीज़ों को देख करके अभी से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं किसानों के ऊपर भी थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, सवाल भी उठाना चाहती हूँ कि अभी ही ये आंदोलन करना क्यों ज़रूरी है? जब लोकसभा चुनाव इतना नज़दीक में है तब आप आंदोलन शुरू कर रहे हैं? क्या हमारे देश के किसानों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या हमारे देश के किसान ये आंदोलन करके ये जताना चाहते हैं कि ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों का सुनती नहीं है, किसानों के हित में कोई काम नहीं करती है? क्या ये किसान भारी मात्रा में दिल्ली का घेराव करके ये भी जताने आए हैं कि अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किसको अपना सरकार चुनेंगे? क्या इन किसानों के बीच से कुछ बड़े राजनीतिक नेता भी हैं जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं? तो मिला जुला जिस तरह से मैं सवाल सरकार के ऊपर खड़ा कर रही हूँ, उसी तरह से कई सवाल किसानों के बारे में भी आ रहे हैं। लेकिन सवाल दोनों तरफ से जायज हैं, आंदोलन हो, सरकार किसानों को शांति रूप से आंदोलन करने दे, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी तरह का माहौल ना खराब हो, जो भी किसानों की जायज मांगे हैं वो सरकार को उन मांगों को मानना चाहिए, उन मांगों पर कार्रवाई करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है ये न जाने कितने समय से लंबित पड़ी हुई है, जब ये रिपोर्ट बन के तैयार हो गई है तो इसको लागू करने में दिक्कत क्या है? जब लखीमपुर खीरी का इतना बड़ा हादसा हुआ था तो उस केस को आगे बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? उनके दोस्तियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? एमएसपी और जो कर्ज माफी का जो कानून है उस पर लागू करने में सरकार इतना कतरा क्यों रही है? तो दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल हैं और हो सकता है कि आपके मन में भी मेरे जैसे कई सवाल होंगे। आप ज़रूर से अपने कमेंट और अपने सुझाव इस शो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमको ज़रूर से बताएं। अगर आपको मेरा यह एपिसोड शो की चर्चा अगर पसंद आई हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में और ख़ासकर किसान भाइयों के साथ में, किसान बहनों के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि इस मुद्दे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, हम इस मुद्दे को समझ पाएँ और आगे हम इस पर सवाल उठा पाएँ, बात कर पाएँ। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ ज़रूरी मुद्दों के साथ में, कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।